नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन अहम खबरों पर जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, साथ ही कुछ अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे, उसके साथ साथ प्रदेश की 25 अहम खबरें फटाफट अंदाज में, साथ ही आपको देंगे जानकारी आज की अच्छी और काम की खबर की। तो चलिए सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर का रुख करते हैं जो पंजाब से जुड़ी हुई है। यहां आपको ये जानकारी दे दें कि चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक होनी है। शिरोमणि अकाली दल के सभी फ्रंट बैठक में मौजूद होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सुखबीर बादल के साथ चर्चा होनी है और आज कोटकपूरा में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला लोगों से मुलाकात करेंगे, तो मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। दूसरी अहम खबर का रुख करते हैं, यहां आपको ये जानकारी दे दें कि आज से अबोहर के बलुआना में 3 दिन के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल। कई गांव में संगत दर्शन के जरिए वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे, मुख्यमंत्री पंचायतों के विकास के लिए भी ग्रांट देंगे। वहीं आज अमृतसर में एसजीपीसी कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। अगली अहम खबर का रुख करते हैं जिन पर आज दिन भर हम आपको डेवलपमेंट देंगे, यह है कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार, आज सबकी निगाहें इस पर हैं। एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की सरकार बन रही है, वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो एग्जिट पोल ममता बनर्जी की फिर से वापसी दिखा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है एग्जिट पोल के जरिए, लेकिन नतीजे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे साफ होते जाएंगे और 5 राज्यों की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। चलिए अब विस्तार से जानते हैं खबरों को, शुरुआत पंजाब की खबर से ही करते हैं। लगभग 102 साल पुराने कामागाटा मारू हादसे पर कनाडा ने माफी मांगी है। संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरे घटना पर दुख जताया और सॉरी बोला, साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना नहीं होने देंगे। बोले सोनेहाल के जयकारों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कनाडा की संसद उस वक्त गूंज उठी जब देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तकरीबन 1 सदी बाद कामागाटा मारू कांड के लिए माफी मांगी। बुधवार को प्रधानमंत्री ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कामागाटा मारू घटना के लिए रस्मी तौर पर माफी मांग कर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री ने कामागाटा मारू हादसे को बड़ा अन्याय बताते हुए कहा कि मैं कनाडा सरकार की तरफ से इसके लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि बेशक आज उस घटना के पीड़ित इस माफी को सुनने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिल से माफी मांगता हूं। मिस्टर स्पीकर, टुडे आई राइज इन दिस हाउस टू ऑफर एन अपॉलॉजी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा for our role in the Kamagata Maru incident. Regrettably, the passage of time means that none are alive to hear our apology today. Still, we offer it fully and sincerely. जैसे ही प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। तमाम सियासी दलों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि कामागाटा मारू के यात्रियों को शरण ना देने के लिए बिना शक कनाडा सरकार जिम्मेदार थी और अब हम यकीन दिलाते हैं कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। But Canada's government was without question responsible for the laws that prevented these passengers from immigrating peacefully and securely. For that and for every regrettable consequence that followed, we are sorry. So too must we commit ourselves to positive action, to learning from the mistakes of the past and to making sure that we never repeat them. ठीक एक सदी पहले 23 मई 1914 की सुबह कामागाटा मारू जहाज बाबा गुरदित सिंह की अगुवाई में 376 भारतीय मुसाफिरों को लेकर वैनकूवर की बंदरगाह पर पहुंचा था, लेकिन उस वक्त की सरकार ने 1908 के कानून कंटिन्यूस मैसेज एक्ट के अधीन कामागाटा मारू को वैनकूवर की बंदरगाह पर आने नहीं दिया था। 23 जुलाई को कामागाटा मारू को नेवी के पहरे में जबरदस्ती वापस मोड़ दिया गया था। इसके बाद कोलकाता की बजबज बंदरगाह पर उस समय की अंग्रेज सरकार के आदेश पर
जहाज के 19 मुसाफिरों को गोलियों से भून दिया गया था और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कामागाटामारू घटना के लिए संसद में माफी मांगकर अपने उस वादे को पूरा किया जो उन्होंने बैसाखी के मौके पर सिख समुदाय से किया था। इससे पहले 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भी माफी मांगी थी, लेकिन सिख समुदाय रस्मी तौर पर माफी की मांग कर रहा था, जिसको प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पूरा कर दिया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।